ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर सेफ, योर फैमिली मेंबर, योर रिलेटिव, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स ऑल आर सेफ एंड यू आर एंजॉयिंग दिस न्यू एरा, दिस न्यू वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 एंड एज आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज अ लिटिल बिट अ स्मॉलर चैप्टर एंड गोइंग टू बी कंप्लीट वेरी फास्ट। सो फ्रेंड्स, इट इज एडवाइजेबल दैट डोंट मिस एनी सेशन ऑफ दिस लेक्चर, ऑफ दिस चैप्टर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट दो लेक्चर में ऐसा पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी के इक्वेशंस के साथ मैग्नेटिज्म के इक्वेशन से बहुत सारे कंपैरिजन भी किए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वी हैड आल्सो लर्न्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट व्हेन यू पुट अ मैग्नेटिक डाइपोल, व्हेन यू पुट अ मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ यू जस्ट अलाउ इट टू जस्ट स्लाइटली रोटेट, इफ यू जस्ट अप्लाई अ स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, देन इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग द रोटेशनल एसेशन, रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसका हमने फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम एंड उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, और उसके बाद उसको कंपेरिजन भी किया। अब मैं आज कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और पढ़ाऊँ, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पहले भी पढ़े थे, कुछ मैं आज आपको अभी करवाने वाला हूँ। तो दे आर बेस्ड ऑन दी मोस्टली द इक्वेशंस व्हिच इज इन द कंपेरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो टेल मी फ्रेंड्स, अप टू विच न्यूमेरिकल वी हैड डिस्कस, मुझे ये बताओ हमने कौन कौन से न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में किए थे, कोई बताएगा मुझे? सर, आपका आवाज बहुत लैग हो रहा है। नाउ इट इज क्लियर टू यू? क्या अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, ओके सर 5.11 या 5.12 किया था लास्ट हमने। 5.11 12 क्या दिया था? क्या बात कर रहे हो, हाँ सर, नहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल हाँ नंबर, सर, हमने किया था। एग्जाम्पल ओके लेट मी, नंबर की बात करिए सर। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ था, 2 हुआ था, एग्जाम्पल 1 2 मैंने करवा दिया था आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको बोला होगा कि आप थोड़ा ट्राई करना, ये थ्योरेटिकल है। तो अभी शायद मैंने अभी नहीं बोला, तो मैं आज बोल देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 आप एक बार ट्राई करो, उसके जो आंसर है उसको देखो, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसमें जो 4th है वो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसको एक बार आप देखो, ट्राई करो, और देन यू कैन आस्क द डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। और ये 4th भी मैंने करवा दिया होगा आपको इलस्ट्रेशन, एम आई राइट? हो यस सर, गया है, 5th से बाकी होगा, 5th मैंने नहीं करवाया होगा, 6th भी नहीं करवाया होगा, 7th भी नहीं करवाया होगा, उसके बाद मैंने 8th करवा दिया होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैंने करवा दिया हाँ होगा। सर, 8 करा दिए। अच्छा उसके बाद मैंने थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए होंगे, तो कैन यू टेल मी विच एक्सरसाइज क्वेश्चन वी हैड डिस्कस सो फार? आप लोग होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ सर, तो बोलो ना, एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कराए थे? हाँ वो क्वेश्चन देख के पता चले गया कौन सा हो गया है, ऐसे नंबर पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सर 12, 12 तक तो पहुंचे ही नहीं होगे, कैसे पहुंचे होगे? सर 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन नंबर। क्या बोल रहे हो आप, हाँ सर, आपने होमवर्क में भी लिया था। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। होमवर्क में क्या आप,
अरे वो तो थियरी के थे, थियरी का था, थियरी का था। अरे थियरी का था, बुक में नहीं था। क्वेश्चन नंबर थ्री सर, वन और फोर किया था। वन तो कैसे होगा, वन तो नहीं कराया होगा। फर्स्ट सेकंड आदत तो आप ही करा, तो कुछ पता नहीं है हमें। ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर थ्री। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री से स्टार्ट करते हैं। ओके, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट अ 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ऑफ अ 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट। देखो टॉर्क यहाँ पे टॉर्क दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो कोई फॉर्मूला आप में जहन में क्लिक हो रहा है थर्ड क्वेश्चन में, आपको यहाँ टॉर्क दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है कि जिसके द्वारा हम डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यस वी हैव द रिलेशन। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क, टॉर्क का कोई फॉर्मूला बताएगा। बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। सो दैट वाज द फॉर्मूला वी कैन अप्लाई फॉर द सोलेनोइड कॉइल। यहां पे बार मैग्नेट है तो यू कैन नॉट अप्लाई द बिना साइन थीटा। तो बार मैग्नेट के लिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो एम बी साइन थीटा होता है। वेयर इफ यू कंसीडर अ बार मैग्नेट तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट कैन बी गिवन बाई 2L into P, where 2L is the distance between the two pole and P is the pole strength. And if you consider the solenoid or coil, then dipole moment is equals to NIA. Now, when you put the NIA, it becomes bina sin theta. It becomes bina sin theta. So, यहाँ पे तो bar magnet की बात है, तो यहाँ पे bina sin theta लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे तो वैसे भी वो एम बी साइन थीटा ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको टॉर्क दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। सो ऑल द थिंग इज गिवन टू यू, यू जस्ट रिक्वायर टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट। कैन यू डू इट योरसेल्फ, इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। ओके यस सर, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। A short bar magnet of a magnetic moment 0.32 joule per tesla is placed in the uniform magnetic field of a 0.15 tesla. वापस से magnetic dipole moment हमको दिया हुआ है, हमको magnetic field भी दिया हुआ है। Is free to rotate in the plane of the field which orientation would compress correspondent to is a stable and unstable equilibrium. तो फ्रेंड्स उसमें ऐसा आपको बोला गया है कि भाई कौन सा स्टेट स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, किसको अनस्टेबल बोलते हैं, और दोनों केस में, दोनों केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स केस वन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो किसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम किस कौन से कंडीशन को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलोगे, कोई बताएगा मुझे? Any of your minimum, minimum. कौन minimum, मैं या तू? Force. Wrong. देखो theta is equals to zero वाला जो condition है वो stable equilibrium है, जहां पे potential energy minimum होता है, और उसका जो formula है वो है minus m dot b, m b cos zero. तो cos zero तो one हो जाएगा, cos zero तो one है, तो m into b, अब डाइपोल मोमेंट हमको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। और केस नंबर टू ऐसा भी पूछा गया है कि कौन सा स्टेट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, कौन से कंडीशन को बोलते हैं, कोई बताएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 द मैक्सिमम। एग्जैक्टली, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। वंस अगेन थीटा इज इक्वल टू 180 वाला जो स्टेट है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस एम बी।
कोस 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी द स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4. तो आप इसको मतलब दो चीज करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, अनस्टेबल किसको बोलते हैं, और दोनों दोनों केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था. तो दैट्स ओके, यू कैन डू इट. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर. आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, एंड करंट भी दिया हुआ. ये तीन चीज आपको दी हुई है. तो इसको देख के आपके जहन में क्या आइडिया, कौन सा फॉर्मूला आपको क्लिक हो रहा है इन तीन को? NIA वो है क्या भैया? है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट. तो सबसे पहले इसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो मिल सकता है. तो ये सारे क्वेश्चन सेट से हो चुके हैं. वही तो मैं बोल रहा हूँ, हो चुके हैं, बट अभी मुझे करवा दे दो. बराबर है, ये हो गए हैं और कहाँ तक हुआ मुझे पता नहीं, आपने कुछ बोला भी नहीं है. सर वो क्वेश्चन कह रही थी सर शायद 12 तक आपने करवा दिए. अरे नहीं हो सकता, वो 12th वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता. नहीं, आपने लास्ट लेक्चर में, हाँ सर आपने कराया था, वही मैं कह रही हूँ सर. ओके सर, आप कहते थे कि ये क्वेश्चन करवा के आपकी इंसल्ट करो या नहीं, वो सब क्वेश्चन इजी हो गए, ये वही. अच्छा तो कोई बात नहीं, एक बार हो गया तो वापस से मुझे करवा दो. वैसे 12th तक तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज जो 9th के बाद जो टॉपिक है वो तो उसके थ्योरी अभी चला नहीं है, तो वो तो हो ही नहीं सकता. तो अब कोई बात नहीं, आप तो हो गया तो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट. तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको मिल जाएगा. अब क्या किया हुआ है, नाउ इफ इट इज अज्यूम टू बी अ सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट देन व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट. तो हाँ वही तो फाइंड करना है, तो आपको डाइपोल मोमेंट ही फाइंड करना था. अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इन द क्वेश्चन नंबर 5.5 इज फ्री टू टर्न द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड. वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड when it makes an angle 30 degree with the direction of applied magnetic field. So friends, यहाँ पे टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. अब आपको यहाँ पे थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, एम हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, एम जस्ट 5th क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला भी प्रोवाइड किया हुआ है. मतलब ये तीन चीज आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप टॉर्क भी फाइंड कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7, बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट. देखो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, एंड इट इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, और इनिशियली देखो यहाँ पे बस ये तीन चार क्वेश्चन, मतलब यहाँ से बाकी है, ये 7th क्वेश्चन से बाकी है. सो नाउ एवरीबडी प्लीज लुक एट हियर एंड गिव द कंसंट्रेशन. 7 से बाकी है, हमने 6th तक कराया था लास्ट में. तो अब ये क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज align with the direction of the magnetic field of a 0.22 tesla. What is the amount of the work required by external torque to turn the magnet from its aligning condition to normal to the field and opposite to the field? मतलब क्या है कि case 1 में आपको कहां से कहां ले जाना है? तो initial angle तो जो है ना वो 0 ही है, because इनिशियली ऐसा लिखा हुआ है कि डाइपोल जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है. मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, मतलब इनिशियल एंगल 0 है. और फर्स्ट केस में हमको उसको कहाँ से कहाँ पे ले जाना है, तो थीटा 2 क्या दिया हुआ है कि तो नॉर्मली प्लेस, मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर करना है, और आपको वर्क फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 पोजीशन टू थीटा 2 पोजीशन? इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा करके हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है, और मैंने आपको दोनों कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आरो. हाँ तो वही तो एक ही तो फॉर्मूला है ये वर्क डन का, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2.
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कोस जीरो का हो जाएगा वन हो जाएगा एंड कोस 90 का हो जाएगा जीरो, वन माइनस जीरो तो मतलब वन ही रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो एम इंटू बी आएगा, कोस जीरो वन, कोस 90 जीरो, वन माइनस जीरो मतलब वन ही रहेगा और एम बी, तो यही आंसर आएगा। और क्या करना है साथ साथ में आपको, बी क्वेश्चन में ऐसा है कि दोनों कंडीशन में आपको टॉर्क भी फाइंड करना है, दोनों के एंड कंडीशन में आपको टॉर्क फाइंड करना है, तो इसमें एंड कंडीशन मतलब 90 डिग्री वाला एंड कंडीशन, तो यहाँ पे टाउ वन इज इक्वल्स टू एम बी, टॉर्क तो पता है ना एम बी साइन थीटा, अब थीटा 90 लेना है, तो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू भी एम बी ही रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका वर्क डन भी एम बी रहेगा, टॉर्क भी एम इंटू बी ही रहेगा। अब सेकंड केस में कहाँ से कहाँ पे ले जाना है देखो, तो सेकंड केस में वो पहले तो अलाइंड ही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और उसको पूरा क्या करना है, अपोजिट टू द फील्ड करना है, तो पहले वो फील्ड के डायरेक्शन में था और उसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, तो मतलब कितना आपको रोटेट करना पड़ेगा, जीरो टू 180 डिग्री, तो अब वर्क कितना है, तो इस केस में क्या वर्क हो जाएगा, तो एम बी वंस अगेन इट इज द सेम फॉर्मूला कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, बट अब यहाँ पे देखो कोस थीटा वन कोस जीरो वन होगा, तो ये हो जाएगा एम बी कोस जीरो वन माइनस, अब कोस 180 खुद माइनस वन है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस दैट इज अ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एम बी, तो अब ये जो वर्क डन है वो टू इंटू एम बी हो जाएगा, इज इट ओके फ्रेंड्स। तो अब आपके पास वंस अगेन डाइपोल मोमेंट है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, वापस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वर्क डन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी आपको टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे आप करोगे एम बी साइन थीटा, बट आपको एक्स लास्ट कंडीशन में, तो लास्ट कंडीशन में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के लिए साइन वैल्यू का क्या, साइन का वैल्यू क्या आएगा, एम बी साइन 180 की टिकट यू द जीरो, तो फाइनली यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड केस के अंदर टॉर्क का जीरो आएगा, आपका जो वर्क डन है वो टू इंटू एम इंटू बी आएगा, एम एंड बी का वैल्यू आपको दिया हुआ, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। फ्रेंड्स ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लोजली वोंड सोलेनोइड of 2000 tons and the area of 1.6 × 10⁻⁴ meter square carrying a current। देखो वापस से वो तीन चीज दी हुई है आपको, number of tons दिया हुआ है, area दिया हुआ है, current दिया, तो आपको क्या मिल सकता है, तो आपको solenoid magnetic moment, dipole moment मिल सकता है, NIA। चलो आपको dipole moment मिल जाएगा, आप calculation करोगे तो मिल जाएगा। अब पूछा क्या है, हाँ तो वही तो पूछा है कि भाई what is the magnetic dipole moment, तो वो तो वैसे भी मिल जाना है। What is the force and the torque of the solenoid when the horizontal magnetic field of this much is given at the angle 30 degree? देखो कोई भी अगर closed loop, अगर आप uniform magnetic field के अंदर रखते हो, कोई भी current carrying loop या कोई भी magnet आप uniform magnetic field के अंदर रखते हो, तो उसके ऊपर resultant force zero ही होता है, वो हमने fourth chapter में भी discuss कर लिया था, आज वापस से डिस्कस। जैसे आपको पता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। सिमिलरली आप कोई कॉइल को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उसके ऊपर भी रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर भी जीरो ही आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसा, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है डाइपोल मोमेंट, सेकंड क्वेश्चन में आपको दो चीज फाइंड करना है, फोर्स भी फाइंड करना है, टॉर्क भी फाइंड करना है। तो फोर्स इज ऑलवेज जीरो व्हेनेवर यू प्लेस अ मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मस्ट बी जीरो। अब टॉर्क कितना, तो टॉर्क तो हमको पता ही है, टॉर्क जीरो नहीं होगा बिकॉज टू इक्वल फोर्स अपोजिट फोर्स बट दे आर कोलिनियर, सो टॉर्क विल नॉट बी जीरो, टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको m पता चल गया है, b आपको दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा इज द 30, थीटा इज द, ये रहा थीटा क्या दिया हुआ है, हाँ 30 डिग्री ही दिया हुआ है। तो क्या आप ये चीज फाइंड कर सकते हो खुद, इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। ओके
चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाते हैं। A circular coil of a 16 tons and a radius 10 centimeter carries a current of 0.2075 ampere. Once again, आपको क्या दिया हुआ है? Once again, आपको number of tons दिया हुआ है. फिर उसके बाद आपको radius दिया हुआ है. तो क्या radius दिया हुआ है? तो क्या आप उसके ऊपर से cross sectional area find कर सकते हो? Circular coil है तो pi r square. Is it okay, friends? आपको radius दिया हुआ है. तो क्या आप cross sectional area find कर सकते हो? Yes, sir. और आपको दिया हुआ है करंट दिया हुआ है तो once again आपके पास तीन चीज है नंबर ऑफ टंस एरिया एंड करंट तो आपको क्या मिल जाएगा once again यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वापस से आपको ये नाइन्थ क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब क्या पूछा क्या है द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट इट्स एक्सिस इन द इट्स प्लेट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। अब ऐसा पूछा है कि ये जो कोयल है ना वो आप फ्रीली रोटेट कर सकती है। When the coil is turned slightly and released, it oscillate about the stable equilibrium with the frequency. देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है दैट शीट। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी? 1/T वन अपॉन पीरियडिक टाइम बट व्हाट वाज द फॉर्मूला इन द मैग्नेटिज्म हमने लास्ट 2π√1/mv। हाँ तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला था द फॉर्मूला वॉज 2π√ फ्रीक्वेंसी का 2π नहीं आएगा ना भैया फ्रीक्वेंसी का होगा 1/2π हाँ 1/2π√mv/i। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो या फ्रीक्वेंसी वी हैड प्रोवाइडेड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड को ही फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको। क्या आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है? यस वी हैव द मैग्नेटिक वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको? यस इट इज ऑल्सो गिवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज अ 5×10⁻²⁻² टेस्ला तो बी भी दिया हुआ है। तो क्या हम ये आई को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना के उसको फाइंड कर सकते हैं? कैन यू डू इट योरसेल्फ? क्या ये आप कर सकते हो? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके अब 10th एंड 11th जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th तो वो अभी हम नहीं कर सकते हैं उसके फंडामेंटल अभी सीखना बाकी है। वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड है। अब 12th क्वेश्चन हम कर सकते हैं 12th वाला जो क्वेश्चन है वो इजीली कर सकते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। डाइपोल बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है 0.48 जूल पर टेस्ला वो दिया हुआ है। एंड आपको ये दिया हुआ है कि वी वॉन्ट्स टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by that magnet at the distance 10 centimeter from the center of the magnet. So on its axis and on its equatorial line. So distance आपको दिया हुआ है 10 centimeter लेना है आपको मतलब 0.1 meter लेना है। तो आपको दो चीज find करनी है। Number one, magnetic field of the bar magnet on the axis. चलो कोई मुझे बताएगा डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कोई बताएगा? चलो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एक्सिस का फॉर्मूला बोल दो पहले। किसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल का पता है? B is equal to 2aq। अरे वो तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बोल रहे हो आप। मैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बोल रहा हूँ। टू के पी अपॉन आर क्यूब। तो
इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला था 2kp/r³, तो यहाँ पे 2k के बदले μ0/4π, p के बदले m/r³। डायपोल मोमेंट हमको दिया है और डिस्टेंस भी हमको पता है। म्यू नॉट का तो वैसे भी पता होगा कि 4π (10⁻⁷) होता है, तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे मिल जाएगा। और अगर इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, only kp/r³, only kp, माइनस, वैसे नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो -kp/r³। अब डायपोल मोमेंट भी है आपके पास, आपके पास डिस्टेंस भी है, तो आप इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हो। तो ये दोनों चीज आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, तो ये आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं कुछ थ्योरी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन आपके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था। आज का जो टोटली टॉपिक है, आज जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आज पूरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी इंट्रोड्यूस गॉसिस थियरम फॉर द मैग्नेटिज्म। पहले हम गॉस थियरम फॉर द मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं है ना आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था उसको अब थोड़ा डीप में हम जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम गॉस थियरम फॉर द मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जो टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है वो हम अगर देखते हैं तो हम कहाँ पे पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं यहाँ पे, या ये रहा। तो दिस इज द मैग्नेटिज्म एंड द गॉस थियरम। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द 2 or 3 marks, एक्सप्लेन द गॉस थियरम फॉर द मैग्नेटिज्म। चलो किसी को पता है इलेक्ट्रिसिटी में गॉस थियरम क्या था? B.dA पूरा बोलो, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं मैं, बताएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E.dA। वो तो फ्लक्स का डेफिनेशन है, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। चलो पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोच लेते हैं, उसके बाद हम मैग्नेटिज्म में जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैसे डेफिनेशन है इंटीग्रेशन E.dA, और ds भी बोल सकते हो, वो जो भी dA लिखो या ds लिखो वो है तो सरफेस एलिमेंट ही है, वो चाहे आप dA लिखो या ds लिखो वो है तो सरफेस एलिमेंट ही। तो इंटीग्रेशन E.dS इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो दैट वाज द गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बेस पे हमने 3-4 और थ्योरी भी हमने अलग अलग सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने फाइंड किए थे। तो फ्रेंड्स दैट वाज द गॉस थ्योरम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। देखो फ्रेंड्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी फ्लक्स Q/ε0 है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम ऐसा कोई भी फ्लक्स, अगर फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस दैट कैन बी फाउंड बाय द इंटीग्रेशन E.dA, इंटीग्रेशन E.dS। बट अगर कोई क्लोज्ड सरफेस का अगर फ्लक्स फाइंड करना है, क्लोज सरफेस का, तो वो हमको मिलेगा दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस टू द रेशियो ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
So that was the Gauss's theorem for the electricity. अब मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती है ना वो ऑलवेज क्लोज फॉर्म्ड है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप. तो बिकॉज ऑफ दैट अब कहीं पे भी कोई भी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो ऑलवेज क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है. तो आप कहीं पे भी कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड देखो तो वहां पे अगर आप क्लोज्ड सरफेस का अजम्पशन करोगे कहीं पे भी कैसा भी टाइप का मतलब किसी भी शेप के टाइप का किसी भी शेप का अगर क्लोज्ड लूप क्लोज्ड सरफेस आप वहां पे सोचोगे तो एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड लिविंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ही हो जाएगी. मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपको समझ में आ जाएगा. सपोज कि ये एक बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ है, ये साउथ है. तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो नॉर्थ में से बाहर निकलेगी, साउथ में एंटर होगी. और थोड़े बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रो कर लेते हैं. तो यहां पे एक बार मैग्नेट है तो अगर आप ये बार मैग्नेट के कहीं पे भी अगर आप क्लोज्ड सरफेस का अजम्पशन करोगे तो होगा क्या. सपोज कि आपने यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस अजम्पशन किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर हो रहा है इतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से बाहर निकल रहा है. कोई बोलता है कि सर यहाँ पे अज्यूम करना है तो मैंने यहाँ पे भी कर दिया तो देख सकते हो कि इस साइड से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रहे हैं उतने ही यहाँ से एंटर हो रहे हैं. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या होता है कि वो ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म करता है. तो इसके वजह से क्या होगा कि आप कहीं पे भी किसी भी टाइप का किसी भी शेप का अगर क्लोज्ड सरफेस वहां पे आप बनाते हो तो एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड लिविंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर सेम ही हो गए. मतलब ऐसा हुआ कि ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक्चुअली में फ्लक्स शो करती है. तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतने ही बाहर निकल रहा है. तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? जीरो हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गॉसिस थ्योरम फॉर द मैग्नेटिज्म. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गॉसिस थ्योरम फॉर द मैग्नेटिज्म. तो अब उसका स्टेटमेंट क्या होगा दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड with a closed surface is always zero. तो कोई भी closed surface का जो net magnetic flux होता है वो always zero ही होता है. So that is what is the Gauss's theorem. अगर हम इसको mathematically लिखना चाहते हैं तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हो आप तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है. तो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. ये फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस मैग्नेटिक फ्लक्स. तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा. आई एम नॉट टेलिंग दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस आप सोचोगे तो डेफिनेटली उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो जीरो होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी टाइम द मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो. कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और यहाँ पे आपने कुछ कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं ऐसा कोई एरिया कंसिडर किया तो वहां से सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकल रहा है तो इसका जीरो नहीं होगा.
बट अगर कोई भी आप क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करते हो तो वो क्लोज सरफेस के साथ ऑलवेज जब जो फ्लक्स लिंक होगा वो जीरो ही होगा। इसके ऊपर से आप ये भी कह सकते हो कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर ये नॉर्थ या साउथ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता तो सपोज के कोई नॉर्थ पोल पॉसिबल है, ऐसा अज्यूम कर लो कि नॉर्थ पोल पॉसिबल है, तो नॉर्थ पोल में से तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलती है। तो अगर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अगर नॉर्थ पोल का पॉसिबल है सपोज के, तो उसके आसपास अगर आप क्लोज्ड लूप क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करोगे, इसके आसपास क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करोगे तो सारे फील्ड लाइंस बाहर ही निकल रहे हैं, तो मतलब इसका तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। क्लोज सरफेस है बट तो भी फ्लक्स जीरो नहीं है, तो क्या ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल का जो अजम्पशन मैंने किया वो वैलिड है? अगर वो वैलिड होगा तो गॉस थ्योरम फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज क्लोज सरफेस का फ्लक्स यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, बट गॉस थ्योरम फॉल्स नहीं है, गॉस थ्योरम तो करेक्ट ही है, वो तो ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अजम्पशन किया कि ये इंडिविजुअल नॉर्थ पोल पॉसिबल है, ऐसा अजम्पशन ही रॉन्ग है। तो वापस से वही कह सकते हैं कि भाई ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ और साउथ इंडिपेंडेंट मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल, and because of that we got the Gauss's theorem for the magnetism. So friends, क्या ये आपको समझ में आया? Is that clear, friends? Yes, sir. कोई मुझे बताएगा what is the unit of the magnetic flux? इसके ऊपर से ये नया क्वान्टिटी हमने डिस्कस किया, आप फिजिक्स में एक नया क्वान्टिटी हमने डिस्कस किया, तो कोई बताएगा what is the unit of the magnetic flux? Unitless. अरे कैसे unit? White. ये B है, ये एरिया है, what is the unit of the magnetic flux? Tesla into area. Tesla into meter square. वेबर भी बोलते हैं, उसको कभी कभी वेबर भी बोलते हैं, और इसको अगर न्यूटन में कन्वर्ट करता तो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर भी हो सकता है, इसका न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर भी आप कर सकते हो। अगर टेस्ला को न्यूटन में कन्वर्ट करते हो तो टेस्ला इक्वल्स टू, याद हो तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है, F इक्वल्स टू BIL, तो टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन अपॉन एम्पियर होता है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, आपको एक क्वेश्चन कल नेक्स्ट टाइम जब आप मिलोगे तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके लाना है। चलो मैं ही लिखा देता हूँ, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन देखा हुआ है। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स विच क्वांटिटी। तो ये दोनों का रेशियो मुझे कौन सा क्वांटिटी देगा? तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उसका जो यूनिट है ना वो ये रहा न्यूटन पर कूलम्ब, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, मतलब न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर, ये जो है ना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो वेबर है, तो वेबर को आप बना सकते हो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर, और इसको आप बना सकते हो न्यूटन अपॉन मीटर अपॉन एम्पियर। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो निकालते हैं। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। तो एक न्यूटन और न्यूटन कैंसल, एक मीटर स्क्वायर भी कैंसल, तो न्यूमरेटर में बचेगा मीटर इंटू एम्पियर, डिनोमेटर बचेगा कूलम्ब। अब कूलम्ब इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। तो Q इक्वल्स टू आई टी का मतलब क्या हुआ कि एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर एम्पियर कैंसिल,
तो फ्रेंड्स फाइनली इसका आंसर आएगा स्पीड, बिकॉज जो लास्ट में जो यूनिट बचा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का वो मीटर पर सेकंड है, मतलब वो क्या क्वांटिटी देगा आपको, स्पीड देगा। तो फ्रेंड्स ये गॉसिस थ्योरम ऑफ द गॉस थ्योरम ऑफ द मैग्नेटिज्म हमने उसका डिस्कशन कर लिया। तो अब हम जो करने वाले हैं वो ये है कि अब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था, तो आज थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। स्पीड वेलोसिटी सिलेक्टर क्या बोल रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड भी वेलोसिटी देता है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेलोसिटी ही देता है। ओके ओके सर। तो फ्रेंड्स अभी हमारा जो टारगेट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। तो एक एक सिंपल सा एक फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो? ये फिगर आपको दिख रहा है आपके मोबाइल के अंदर? यस सर। तो फ्रेंड्स हमने थोड़ा बहुत लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट होती है उसको जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो जियोग्राफिक एक्सिस है। सो हियर इट इज अ जियोग्राफिक एक्सिस, इसके अराउंड यहाँ पे रोटेशन होता है। तो ये जियोग्राफिक एक्सिस है, यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ। क्या मेरी आवाज फ्रेंड्स आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है। और आपको पता होगा शायद, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि वैसे एक्चुअल में अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट होता तो नहीं है, बट हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है उसके द्वारा क्रिएट होता है। बट वो चीज गलत है। आपको ये भी पता उसका एक्चुअल रीजन क्या होता है? मेटल। हाँ, तो जब मेटल जो होती है वो मेल्टेड फॉर्म में होती है, तो वो मेटल के वजह से क्या होगा कि उसका मेटल के मेल्टेड फॉर्म के अंदर आयंस होते हैं, और वो जो आयंस जब मोशन में आते हैं तो करंट जनरेट होता है, और उसके द्वारा ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपका जियोग्राफिक साउथ पोल है उसके बाजू में ये मैग्नेट का कौन सा पोल क्रिएट होगा? यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल। हाँ, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वहां पे, जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। तो एक्चुअल में क्या है कि भले ही यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, ये रहा नॉर्थ पोल जहां से मैग्नेटिक, आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भी निकल रही है, देखो। तो ये भले ही ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, बट इसको हम बोलेंगे क्या एज ए कन्वेंशनल, उसको कन्वेंशनली क्या बोलेंगे? वो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नॉर्थ पोल है वहां पे, बट उसको कन्वेंशनली क्या बोलते हैं हम? जियो मैग्नेटिक साउथ पोल। याद है ना आपको? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, आपको याद हो तो। और जहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ जो है, जहां पे ये जियोग्राफिक नॉर्थ जो है, तो उस जियोग्राफिक नॉर्थ के बाजू में आपको क्या मिलेगा भैया? तो आपको मिलेगा मैग्नेट का कौन सा वाला पोल मिलेगा आपको? नॉर्थ। नहीं 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 नहीं, अरे भाई नॉर्थ तो नीचे डेवलप हुआ ना, तो यहाँ पे साउथ। बट भले ही वो मैग्नेट का साउथ पोल है, बट इसको हम कन्वेंशनली क्या बोलेंगे? वो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलेंगे इसको। भले ही वो मैग्नेट का साउथ पोल है, बट वो जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो मतलब क्या करना है आपको? जियोग्राफिक नॉर्थ के बाजू में जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड जियोग्राफिक साउथ के बाजू में जियो मैग्नेटिक साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये अर्थ के नॉर्थ पोल में से बाहर निकलती है, एंड क्या होता है कि ये यहां से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अर्थ की, और यहां से पास होगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी
और वो यहाँ पे एंटर होगा। ओके तो ये सारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसका मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई किया हुआ है। अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को साइंटिफिकली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को साइंटिफिकली अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए थ्री पैरामीटर्स वी हैव टू डिफाइन द थ्री पैरामीटर्स एंड दैट पैरामीटर्स इज नोन एज अ जियो मैग्नेटिक पैरामीटर्स। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है तो उसके थ्री पैरामीटर्स आपको वहां पे डिफाइन करने पड़ेंगे, तो उसको जियोमैग्नेटिक पैरामीटर्स बोलते हैं। कौन कौन से थ्री है? तो नंबर वन सबसे पहला जो है वो डेक्लिनेशन है, नंबर टू सेकंड वन इज अ इंक्लिनेशन, एंड नंबर थ्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज आर द थ्री पैरामीटर्स दैट वी वॉन्ट्स टू डिफाइन। फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर, यस सर। तो ये अर्थ के हम ये तीन पैरामीटर्स डेक्लिनेशन, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को हम डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे क्या है, तो पूरा ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा साइंटिफिक मैनर में आ जाएगा। सबसे पहले हम डेक्लिनेशन क्या है उसको समझने का ट्राई करेंगे, बट डेक्लिनेशन समझने से पहले डेक्लिनेशन को समझने से पहले आपको पहले जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है उसको समझना पड़ेगा। आई रिपीट, डेक्लिनेशन समझने से पहले आपको जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा इंटरनेट सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि कोई थ्री डायमेंशनल व्यू आपको दिखे, तो ये पूरा टॉपिक है ना वो थोड़ा 3D है, तो लेट होप दैट आपको कुछ यहाँ पे नेट पे से अच्छा आपको यहाँ पे कुछ निकल के आए। तो बट अभी तो आपको मैंने इतना ही समझाया कि अगर आपको अर्थ के मैग्नेट को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अगर अच्छे से समझना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये तीन पैरामीटर्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, इंक्लिनेशन डेक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डेक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सबसे पहले डेक्लिनेशन समझने की ट्राई करते हैं, तो उसके लिए पहले मुझे जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन को समझाना पड़ेगा। अब लेट्स सी कुछ मिलता है हमको कुछ, लेट्स सी।
Okay, so it is going to be more difficult to explain here as viewing from these figures. तो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ. देखो क्या आपको ये तो पता है ना कि जो पूरा जो अर्थ है उसको हमने हमारे सहूलियत के खातिर हमने पूरे अर्थ को हमारे सहूलियत के खातिर हमने उसको लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स में डिवाइड किया है, राइट? वो तो आपको पता है. यस और नो? यस और नो? यस सर. ओके, तो हम कहीं पे भी अर्थ के कोई भी प्लेस पे हम खड़े हैं, हम अर्थ के कोई भी प्लेस पे खड़े हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ तो लॉन्जिट्यूड एंड कुछ ना कुछ तो लेटिट्यूड आपको मिलेगा, राइट? तो वो जो लॉन्जिट्यूड है, कोई मुझे बताएगा जो लॉन्जिट्यूड है वो किसको कनेक्ट करता है? कोई बताएगा मुझे? पोल्स को. एग्जैक्टली, वो करेगा, पोल्स को कनेक्ट करेगा. लॉन्जिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स जो है वो पोल्स को कनेक्ट करेगा. तो अगर हम ये पूरा जो लॉन्जिट्यूड जो सर्कल है वो वर्टिकल सर्कल है उसमें से एक अर्थ के नॉर्मल अर्थ के परपेंडिकुलर एक प्लेन को पास कर दे तो उसको ही बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. आई कैन से जियोग्राफिक मेरिडियन इज अ परपेंडिकुलर प्लेन विच कवर्स और विच एंक्लोजेस विच पसेस द लॉन्जिट्यूड्स एंड विच विल ऑल्सो पास फ्रॉम द जियोग्राफिक एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफिक मेरिडियन. तो थोड़ा मैं और आपको थोड़ा फिगर के साथ बताता हूँ तो आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा. ये थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन के ऊपर है, थोड़ा थ्री डायमेंशनली ये टॉपिक है तो थोड़ा आपको थोड़ा शांति से समझना पड़ेगा. तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनो, उसको समझने का ट्राई करो. ओके, तो ये सारे आपको पता है कि ये रहा, ये गुड गुड, दिस वन इज अ गुड वन, ये गुड, दैट इज गुड. ओके, या दिस वन इज अ गुड वन. देखो कैन यू सी दिस फिगर? यस सर. तो आप देख सकते हो के ये एक ये हमारे ये जो सारे जो वर्टिकल सर्कल्स है वो हमारे लिए क्या है, वो लॉन्जिट्यूड है. तो आप देखो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, देखा आपने? यस सर, ऑन द वेरी फर्स्ट फिगर. तो ये जो है ना, मतलब ये पूरा होना चाहिए, मतलब ये आधा ही दिखाया हुआ है बट आपको पूरा कंसिडर करना है इसको. तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. तो ये देखा, देखो जनविच मेरिडियन ऐसा कुछ लिखा हुआ है बट वो एक्चुअली है ग्रीनविच मेरिडियन ऐसा कुछ लिखा हुआ है बट वो बनेगा हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन. मतलब अगर कोई लॉन्जिट्यूड है तो उसके ऊपर से आप उसको कट करोगे तो वो प्लेन ऑब्वियसली कहाँ से पास होगा? वो देख सकते हो कि वो जो प्लेन है वो आप कोई लॉन्जिट्यूड के हिसाब से अर्थ को कट करोगे वर्टिकली, मतलब ये ऐसे कट करोगे तो वो जो प्लेन पास होगा वो ऑब्वियसली अर्थ के जियोग्राफी एक्सिस में से भी पास होगा. देखो ये जियोग्राफी एक्सिस में से भी पास हो रहा है. तो ये जो होता है उसको ही, ये जो पूरा प्लेन है उसको ही हम बोल सकते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. तो फ्रेंड्स ये जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है वो आपको पता चला? वर्टिकल प्लेन विच पजेस अ प्लेन विच पजेस the longitudes and passing from the geographic axis is called the geographic meridian. तो ये geographic meridian किसको बोलते हैं, समझ में आया आपको? Yes sir. और ये geographic meridian आपको समझ में आ गया. अब सोचो के ये जो geographic axis में से जो ये normal जो pass हो रहा है, एक plane जो pass हो रहा है उसको geographic meridian बोलते हैं. बट आपको ये भी पता होगा कि जहाँ पे ये जियोग्राफिक नॉर्थ है उसके सहज बाजू में जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है और एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड आपको मिलेगा जियोमैग्नेटिक साउथ. तो जैसा प्लेन आपने यहाँ से जैसा प्लेन आपके कट किया अर्थ को, ऐसा ही कट आप यहाँ से भी मार सकते हैं. तो वो जो प्लेन मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से पास होगा. तो द परपेंडिकुलर प्लेन
which is passing from the magnetic field lines and also passing from the magnetic axis of the earth, that is called the magnetic meridian. So in simple language, aap earth ke koi bhi position pe kahin pe bhi khade ho, to wahan pe aapko longitudes bhi milega aur wahan pe koi magnetic field line bhi milegi. But ye longitudinal jo circle hai aur magnetic field lines ka jo curve hai, wo dono same nahi hoga, because जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल एक ही नहीं है. तो इसके वजह से क्या होगा कि लॉन्जिट्यूड्स में से आप एक प्लेन को इमेजिन करो जो अर्थ को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, और एक वहां पे ही कुछ दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, उसको वहां से भी एक पास होता हुआ एक प्लेन दूसरा कंसिडर करो. तो ये जो दोनों प्लेन है उसको रिस्पेक्टिवली जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मीन्स, इन शॉर्ट जो जियोग्राफिक एक्सिस में से पास होगा उसको जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, और जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको ही डेक्लिनेशन बोलते हैं. तो ये जो एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज वॉट इज कॉल्ड द डेक्लिनेशन. तो इन सिंपल लैंग्वेज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डेक्लिनेशन एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या है. तो इन सिंपल लैंग्वेज डेक्लिनेशन और कुछ नहीं है, वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच का एंगल है. तो वो एक्चुअल नॉर्थ साउथ मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच का एंगल है. तो पोल्स के पास, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि पोल्स के पास मैग्नेटिक जियोग्राफिक पोल के पास वो मैग्नेटिक वो डेक्लिनेशन कितना होगा, कितना एंगल होगा दोनों के बीच में. चलो कोई बताएगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो पोल के पास वो डेक्लिनेशन कितना होता है. हमने डिस्कस किया था 11.3 जितना होता है. तो फ्रेंड्स डेक्लिनेशन क्या है वो आपको समझ में आया. सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसा कह सकता हूं कि जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बीच का एंगल है. तो लॉन्जिट्यूड की वजह से तो हम टाइम डिसाइड करते हैं ना. क्या टाइम, क्या बात कर रहे हो, टाइम की क्या बात आई यहाँ पर सर. वो नहीं कहते कि वो जीएमटी से 5.5 घंटे यहाँ पे टाइम चलता है. क्या बोल रहे हो आप सर, जीएमटी को ये जो जियो मेरिडियन वो क्या था वो. नहीं अभी अभी उसको जाने दो, उसके साथ कोरिलेट मत करो. ये सिंपल सी चीज समझो, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ डेक्लिनेशन क्या है. तो डेक्लिनेशन क्या है, तो वो है मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल है. अब मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, तो जो मेरिडियन का मतलब एक प्लेन है, तो जो प्लेन लॉन्जिट्यूड में से पास होगा और जियोग्राफिक एक्सिस में से पास होगा, ऐसा एक नॉर्मल प्लेन आप कंसीडर कर सकते हो जैसे इस फिगर में दिया हुआ है, तो उसको जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं. और ऐसा ही एक प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होगा, ऐसा ही एक प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास होगा, उसको आप बोल सकते हो मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको ही आप बोल सकते हो डेक्लिनेशन. तो इन सिंपल लैंग्वेज हम ऐसा कह सकते हैं कि जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच का जो एंगल है वो ही बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं डेक्लिनेशन. तो मैं थोड़ा और फिगर के साथ आपको दिखाता हूं. ओके
ओके ये रहा। तो क्या अभी आपके मोबाइल में आपको ये दिख रहा है, आपको ये इमेज देखो तो? यस सर। तो अब मैं आपको बताऊं कि क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो प्लेन है ये जियोग्राफी एक्सिस में से पूरे अर्थ में से जो पास होगा, मैं उसको थोड़ा वाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये एक प्लेन, एक जस्ट ए लाइन नहीं, एक प्लेन है ऐसा अज्यूम करो। तो ये जो प्लेन है मतलब पूरा अर्थ को बीच में से काट रहा है। तो कोई मुझे बताएगा ये व्हाइट कलर का ऐसा ऐसा प्लेन है उसको क्या बोलेंगे हम? रोटेटिंग एक्सिस। नहीं नहीं, ये एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक प्लेन है, वो प्लेन है, वो पूरा मैग्नेटिक मेरिड है अर्थ को बीच, अरे वो जियोग्राफिक एक्सिस में से पास हो रहा है। जियोग्राफिक मेरिडियन, हाँ, तो इसको बोलेंगे हम जियोग्राफिक मेरिडियन। वो पूरा आपको इमेजिनेशन करना है, पूरा प्लेन जो अर्थ को बीच में से पूरा काटता है एग्जैक्टली, तो ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। और अब जो मैं दूसरा वाला ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं ग्रीन कलर के लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो मैग्नेटिक एक्सिस में से पास होगा, जो है ना मैग्नेटिक एक्सिस में से पास हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से भी पास होगा। तो ये जो प्लेन है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रेंड्स? मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ, तो ये हमारे लिए जो ये जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में देखो ये जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डेक्लिनेशन। फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे डेक्लिनेशन का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर आप पोल पे चले जाते हो, अगर आप ये हायर लेटीट्यूड का मतलब पोल के पास, तो पोल के पास ये जो डेक्लिनेशन है वो ज्यादा है 11.5। बट इक्वेटर के पास देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टोटली एकदम रैंडम होता है, अलग अलग जगह पे एकदम अलग अलग होता है। तो जब हम इक्वेटर के पास होते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, तो वो सारे जो कंट्रीज है वो इक्वेटर पे है, तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली ये डेक्लिनेशन बहुत कम है। जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली के पास डेक्लिनेशन का वैल्यू कितना है पता है आपको? तो दिल्ली के पास कुछ 0° 58 मिनट्स है, मुंबई में वो 0° 41 मिनट्स है। तो कोई मुझे बताएगा तो ये बेनिफिट क्या होगा इंडिया चाइना वालों को? कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे डेक्लिनेशन बहुत कम है तो भाई क्या बेनिफिट रहेगा हमारे लिए? तो बताएगा क्या मतलब सर? मतलब वापस क्वेश्चन ऐसा है कि इंडिया चाइना ये सारे जो कंट्री है ना वो ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटर पे है, और वहां पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, वहां पे डेक्लिनेशन का वैल्यू कम है 1 डिग्री भी नहीं है, 0° 58 मिनट्स या 0° 41 मिनट्स जितना ही है। तो उसके उसके वजह से बेनिफिट हमको क्या होगा? डायरेक्शन में हेल्प करेगा। एग्जैक्टली, कौन बोला? श्रेया। श्रेया गॉट द राइट आंसर। तो इसके लिए बेनिफिट ये होगा कि अब अगर हम मैग्नेटिक नीडल के द्वारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अगर हम इंडिया चाइना इस टाइप के कंट्री में फाइंड करेंगे तो वो हमको एक्चुअली जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही अप्रोक्सीमेटली देगा। बट अगर पोल पे जाके अगर मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं तो हमको पहुंचना है सपोज के जियोग्राफिक नॉर्थ पे, तो उसके बदले हम पहुंच जाएंगे मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है कितना है आपको? 2000 किलोमीटर है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर है। तो मतलब क्या हुआ? पोल के पास अगर आप मैग्नेटिक नीडल का यूज करोगे तो आपको जहां पे पहुंचना है उससे आप 2000 किलोमीटर दूर पहुंचोगे। बट इंडिया चाइना जो इक्वेटोरियल प्लेसेस है
तो वहां पे डेक्लिनेशन का वैल्यू बहुत कम है, तो आप जब मैग्नेटिक नीडल का यूज करोगे तो ऑलमोस्ट आप एक्चुअल डायरेक्शन में ही पहुंचोगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो एकदम रैंडम होता है। वो हम ऐसा जो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया ऐसा नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पे जैसा ड्रॉ किया हुआ है ऐसा होता ही नहीं है। तो वो कैसे होता है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो वो एकदम रैंडम होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आप देख सकते हो कि ये सारे जो फिगर्स है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, एक्चुअल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के फिगर्स है। तो आप देखो तो पता चलेगा कि अर्थ का जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, तो उसको डिफाइन करना, उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट उसको सिंपली समझाने के लिए हम ऐसा अजम्पशंस करते हैं कि अर्थ के अंदर कोई छोटा सा मैग्नेट पड़ा, एक बड़ा सा मैग्नेट पड़ा हुआ है। देखो ये अर्थ का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है इसका, देखो। So you can see that it is quite random and quite variation बहुत है वहाँ पे। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अलग अलग जगह पे ये declination का value बहुत ही अलग अलग होता है। तो declination क्या है वो आपको पता चला। Simple language में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि declination और कुछ नहीं है, वो actual north south and geomagnetic north south, एक्चुअल नॉर्थ साउथ एंड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच का एंगल है। अब ये डेक्लिनेशन का खत्म हुआ, अब मैं है ना इंक्लिनेशन की बात कर रहा हूं। अब मैं इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ डीप भी बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन को एंगल ऑफ डीप भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट के क्या मतलब क्या है उसका, और उसको एंगल ऑफ डीप एंगल क्यों बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि फ्रेंड्स इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं या एंगल ऑफ डीप किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा अर्थ के सरफेस के ऊपर उसके साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसको ही एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जहां पे मैग्नेटिक पोल्स है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अर्थ के सरफेस के साथ कैसा एंगल बनाती है। चलो देख के बताओ ये फिगर को कि यहाँ पे मैग्नेटिक पोल है, तो जहां पे मैग्नेटिक पोल है, जहां पे मैग्नेटिक पोल्स है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अर्थ के सरफेस के साथ कैसा एंगल बनाती है। चलो सोच के बताओ मुझे। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना हुआ? 90। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं सिंपली ऐसा कह सकता हूँ कि ऑन द मैग्नेटिक पोल डीप एंगल को ही बोलते हैं इंक्लिनेशन इज अ 90 डिग्री। चलो अब मुझे ये बताओ फिगर को देख के कि जो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन है, फिगर में ये जो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन है, दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन। तो थोड़ा सोच के बताना कि ये जो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन है, देखा आपने ये, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि अर्थ का जो सरफेस है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दोनों के बीच में एंगल कितना है मुझे ये बताओ। चलो तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म करती है ये पूरे जगह पे? जीरो। दैट्स इट। तो वही मैं बोल सकता हूं कि ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर द इंक्लिनेशन विच इज ऑल्सो नोन एज अ डीप एंगल, और एंगल ऑफ डीप भी बोल सकते हैं उसको, एंगल ऑफ डीप भी बोल सकते हैं,
इज व्हाट, बोलो क्या बोलो, मैं क्या लिखू, बोलो क्या लिखू, जीरो। तो इसका मतलब ऐसा हुआ, जीरो, हाँ हाँ लिख दिया। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम जब मैग्नेटिक इक्वेटर से स्टार्ट करके, मैग्नेटिक इक्वेटर से स्टार्ट करके जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या फिर नॉर्थ या साउथ पोल में जाएंगे, तो वैसे वैसे ये एंगल ऑफ डिप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड फाइनली इट विल बिकम्स आउट टू बी अ 90 एग्जैक्टली। तो जैसे 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 हम इक्वेटर से स्टार्ट करके पोल तक जाएंगे, तो वो एंगल ऑफ डिप का वैल्यू जीरो से बढ़ता बढ़ता 90 हो जाएगा। तो ये क्या एंगल ऑफ डिप किसको बोलते हैं वो, फ्रेंड्स आपको समझ में आया? यस सर, इट इज अ सिंपली, एंगल ऑफ डिप इज अ सिंपली नथिंग बट इट इज अ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा और वहां कोई भी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड ने जो हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है उसको एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। तो देखो ये डेक्लेरेशन अलग चीज है, एंगल ऑफ डीप अलग चीज है, दोनों को बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको? डेक्लेरेशन पूरा अलग चीज है और एंगल ऑफ डीप ही अलग ही चीज है, वो दोनों डिफरेंट ही है। वो क्या है आपको समझ में आया? डेक्लेरेशन क्या है? डेक्लेरेशन तो क्या है, वो एक्चुअल नॉर्थ साउथ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ के बीच का एंगल है, या फिर वो जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है। क्या ये समझ में आया? और डीप वो तो मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ के साथ, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाया है उसका एंगल है। तो मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जहां पे बैठा हूं तो यहां पे ये जो है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ है, और मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को रखा। मेरे पास कंपास है, कंपास जिसमें मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल ही घूम सकती है। तो वो कंपास रखा ना, तो मुझे पता चला कि वो ऐसे कुछ सेट हुआ यहाँ पे, मतलब ऐसे देखो, ऐसे कुछ, ऐसे कंपास नीडल जो है ना वो ऐसे कुछ सेट हुआ। तो ये जो जो लाइन था, ये जो स्केल वाला, वो मुझे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, वो जो था वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ था। ये जो लाइन था वो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, और ये जो नीडल है वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की लाइन होती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कोई मुझे बता, ये दोनों यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कोई मुझे बताएगा कौन सा होगा? और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? डेक्लिनेशन, इसको क्या बोलेंगे? ये जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? डेक्लिनेशन, वो डेक्लिनेशन है। बट अब देखो, अब देखो, अब कंपास नहीं है मेरे पास, कंपास नहीं, अब मेरे पास एक सिंपली नीडल है, और मैं उसको है ना, इसको एक डोरी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ मैं टाइट करके उसको मैं हैंग करने वाला हूँ। तो वो है ना, वो कुछ ऐसे ऐसे तो रोटेट होने के बाद वो थोड़ा ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ उसका कुछ एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनता है, देखो कंपास में क्या होता है कि वो कंपास नीडल में क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल पे ही रोटेट होता है। तो वो जियोग्राफिक नॉर्थ के साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के साउथ के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल में ही, वो डेक्लिनेशन है। बट अगर मैं कोई नीडल को सस्पेंड करता हूँ स्ट्रिंग के द्वारा, तो वो क्या करेगी, थोड़ा वो ऐसे थोड़ा नीचे, मतलब ऐसे वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? इंक्लिनेशन, दैट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन। तो मतलब आपको अगर घर पे बैठ के अगर आपको इंक्लिनेशन एंड डेक्लिनेशन फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल चीज है। तो पहले तो आपको मतलब कोई अच्छे से बुक में से आपको आपके घर पे आपके आपका जो पोजीशन है वहां पे पहले लॉन्जिट्यूड क्या है वो पता करना पड़ेगा। एक बार लॉन्जिट्यूड आपको पता चल गया, तो आप क्या करोगे, पेपर में उस डिरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर देना। फिर क्या करोगे, आप कंपास लेना और वहां पे मैग्नेटिक वो पेपर, उसी पेपर पे कंपास को प्लेस कर देना, तो वो मैग्नेटिक नीडल भी कुछ और डिरेक्शन में अलाइन होगी। तो वो जो आपने लाइन ड्रॉ किया लॉन्जिट्यूड का और वो कंपास नीडल के लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा डेक्लिनेशन। और एक आपको मैग्नेटिक नीडल को क्या करना है, सस्पेंड करना है स्ट्रिंग के साथ, तो वो ऐसे एजली ओरिजेंटल नहीं रहेगी, वो थोड़ा डीप हो जाएगा। तो ये वो थोड़ी डीप होती है, इसीलिए तो उसको एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ फिर जो एंगल फॉर्म होगा ये नीडल का, उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप। क्या ये बात समझ में आई आपको? एक्सपेरिमेंटली आपको कैसे फाइंड कर सकते हैं ये? यस सर। अब
तो एक काम करते हैं, सपोज के हम कोई ऐसे प्लेस पे बैठे हैं, हम कोई इस ऐसे प्लेस पे बैठे हैं कि जो मैग्नेटिक पोल पे भी नहीं है और नाइदर इट इज ऑन द एक मैग्नेटिक इक्वेटर, कोई ऐसे प्लेस पे है कि वो पोल के इक्वेटर पे नहीं है, तो मतलब ऐसा हुआ कि वहां पे जो एंगल ऑफ डीप होगा वो जीरो भी नहीं होगा, वो जीरो भी नहीं होगा, वो ना ही होगा 90, बिकॉज वी आर नॉट एट द प्लेस विच इज, वी आर एट द प्लेस विच इज नाइदर एट द, विच इज नाइदर एट द मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक इक्वेटर, हम कोई ऐसी जगह पे बैठे हैं, ऐसा मान लो, मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, ये जो है वो अर्थ का सरफेस ऐसा मान के चलो, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा मान लो, अब मैं ना आपको अर्थ के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में मैं सिखा रहा हूं अभी आपको, बट थोड़ा जस्ट वेट वेट फॉर वन मिनट। ओके, सो here assume that this is the earth surface, एक horizontal plane है अर्थ का surface, ऐसा आप ये सोच सकते हो, क्या ये आपको imagination हो सका कि ये अर्थ का surface है ऐसा? Can you imagine this is the earth surface? Is it okay? Yes, sir. Okay. अब जो एंगल ऑफ डीप होता है ना वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा। देखो ऑलवेज एंगल ऑफ डीप जो होता है वो किसका एंगल है, तो बोले वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अर्थ के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वो है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से पास होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसमें से पास होती है उसी को तो मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, तो उसी को तो मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, कोई भी ये जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो अर्थ के सरफेस से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं, बिकॉज वो अर्थ को काटते हैं बीच में से, सेंटर में से वो कट करते हैं। तो सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा, ये जो वर्टिकल प्लेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होती होगी अर्थ में से, अर्थ के ऊपर से, और वहां पे अब मैं क्या करूंगा, मैं एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे सस्पेंड करूंगा, यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करूंगा, तो मुझे ऐसा पता चला कि भाई ये वर्टिकल प्लेन में मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया, तो वो थोड़ा ऐसे, वो देखो ये डेफिनेटली हमारा जो ये प्लेस है वो पोल पे नहीं है ना इक्वेटर पे है, अगर पोल पे होता तो मैग्नेटिक नीडल कैसे होती पता है आपको? मैंने मैग्नेटिक नीडल सपोज की ये कुछ, तो अगर मैं यहाँ पे सस्पेंड करता पोल पे, तो पोल पे होती तो मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली ऐसे सेट हो जाती, मतलब ऐसे वर्टिकल, अगर वो इक्वेटर पे होती तो वो एग्जैक्टली ऐसे सेट होती, एकदम हॉरिजॉन्टल होता उसका मैग्नेटिक नीडल का लोकेशन ऐसे होता। बट मैंने कहीं ऐसी जगह पे सोचा हुआ है कि जो पोल या इक्वेटर पे नहीं है, तो मैग्नेटिक नीडल थोड़ा इंक्लाइन होगी, थोड़ा डीप होगी, तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया यहाँ से, तो वो ऐसे इंक्लाइन हुई ऐसे, क्या ये बात समझते हो आप? ऐसे मैंने यहाँ पे सस्पेंड किया यहाँ से, ये है ऊपर का मतलब ये ग्राउंड, तो ये मैग्नेटिक नीडल मेरा जो है ना वो ऐसे सस्पेंड हुआ, मैग्नेटिक नीडल ऐसे अलाइन हुआ। तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो एंगल बना, ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक नीडल का, देखो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में अलाइन होती है, वो मैग्नेटिक नीडल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होती है, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में अलाइन हुआ वो हमारे लिए क्या बन गया,
वो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया। तो वो हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया। तो अब हम ऐसा कह सकता हूं कि ये जो डायरेक्शन है एक्सपेरिमेंट के द्वारा मुझे ये पता चल गया कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहा है, वो मैग्नेटिक नीडल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो मुझे ये पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ का सरफेस, मतलब ये अर्थ का सरफेस का डायरेक्शन मतलब यही डायरेक्शन हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कोई मुझे बताएगा ये एंगल कित कौन सा होगा, ये वाला एंगल आई एंगल, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डीप और इंक्लिनेशन। क्या ये चीज आपको समझ में आया? Is that clear to you, friends? Yes, sir. अब हम यहाँ पे एक और एक प्लेन का assumption कर सकते हैं, एक और अर्थ के सरफेस पे वर्टिकली एक और प्लेन हम इसका assumption कर सकते हैं। तो वो जो प्लेन है वो मैंने ऐसा assume करके बनाया हुआ है कि जो अर्थ के लॉन्जिट्यूड में से पास हो। तो ये जो वाला जो प्लेन है जो अर्थ के लॉन्जिट्यूड में से पास हो रहा है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ये पीछे की साइड है, कैन यू इमेजिन दिस प्लेन? तो ये जो पीछे की साइड जो प्लेन पड़ा हुआ है और जो लॉन्जिट्यूड में से पास हो रहा है, तो ये जो है वो कौन सा है हमारा लॉन्जिट्यूड में से पास हो रहा है, इसलिए तो ये जो है वो जियोग्राफिक मेरिडियन है। और इसके बीच में ऊपर से देखो आप, यहाँ पे ऊपर से देखना पड़ेगा आपको। तो यहां से आप देखते हो और आपको ये जो एंगल मिलेगा ये दोनों के प्लेन के बीच में, वो कौन सा होगा? डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ ऐसा नहीं होता, डेक्लिनेशन ही होता है वो। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको पता चला दोनों चीज? अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बी, अब देखो एंगल ऑफ डीप को मैं है ना आई के बदले फाइव बोल देता हूँ, एंगल ऑफ डीप को आई के बदले फाइव बोल देता हूँ। तो हम यहाँ पे बी के दो कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं, वेक्टर बी के दो कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं। एक जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ के परपेंडिकुलर अंदर जाना मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर और ये जो कंपोनेंट है ये जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा होगा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो होगा वो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू कितना होता है, मैं उसको है ना मैं बीएचबी कभी कभी बोलूंगा, और टेक्स्ट बुक के अंदर सिंबल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैं उसको बीएचबी बोलता हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट में टेक्स्ट बुक का सिंबल VE है तो मैं उसको BV बोलूंगा। बट बोलो अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड B है और जिसके साथ एंगल बनता है उस साइड का कंपोनेंट क्या होता है फ्रेंड्स? कोस कंपोनेंट। तो ये BH इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ भैया? BH फाइव कोस बी कोस फाइव, ये B जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और BV इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा B साइन फाई, और ये जो फाई है ना वो क्या है भैया? एंगल ऑफ डीप है। तो इन दोनों, क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर, यस सर। तो ये जो है मैंने क्या किया,
कि मैंने है ना एंगल ऑफ डीप को आई के बदले पहले तो फाइव कह दिया, बिकॉज मुझे लिखने में वो आई एंगल में आई मजा नहीं आता, इसलिए मैंने उसको पहले फाइव बोल दिया। और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कभी कभी बी एच बी बोल सकते हैं, और ये वर्टिकल कंपोनेंट को बी वी बी बोल सकते हैं। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट आपको पता है कि कोस कंपोनेंट है, तो ये जो बी एच है वो बी कोस फाइव हो जाएगा, बी वी जो है वो बी साइन फाइव हो जाएगा। एंड दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर से आप ये कह सकते हो कि अगर आप बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर को स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि बी अगर आपको फाइंड करना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो अगर उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास है एंड अगर वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास है तो उसका स्क्वायर करके आप रूट निकालोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बी मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर बी वी अपॉन बी एच आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्शन, तो बी साइन अपॉन टेन फाइव, तो आपको टेन फाइव मिलेगा। मतलब अगर आपको एंगल ऑफ डीप फाइंड करना है, एंगल ऑफ डीप फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट है तो आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी मिल सकता है और आपको एंगल ऑफ डीप भी मिल सकता है। तो ये जियो मैग्नेटिक पैरामीटर्स जो थे वो मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया बहुत डीप में जाके। ये सारे फिगर्स जो मैंने ड्रॉ किया है वो आपके टेक्स्ट में नहीं है, वो समझाने के लिए बहुत ही मैंने आपको सिंपल करके दिया हुआ है टॉपिक। इसका अगर आपको टेक्स्ट में से पता ना चले तो इसको बार बार रिवाइज करो। मेरा जो ये लेक्चर है, आज का लेक्चर, वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। देखो ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको एज अ थ्योरी नहीं पूछेंगे, बट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जिसको इस कंसेप्ट के बेस पे है। तो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक अच्छा है, एक भी थ्योरी क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाला है। आप उसको इसको कंसेप्चुअली आपको इसको समझना है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू, बट न्यूमेरिकल है इसके बेस पे, तो इसको कंसेप्चुअली आपको समझना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। तो अब क्या क्या आपको होमवर्क में करना है वो मैं भी आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, और क्या करना है ये लेक्चर भी मैं रात तक भेज देता हूँ आपको यूट्यूब में। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।